और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 30 फीट बाई 30 फीट 3 BHK नॉर्थ फेसिंग कॉर्नर प्लॉट प्लान, जो कि हमने वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। ये प्लॉट हमारा कॉर्नर रहेगा, जिसमें हम फ्रंट और लेफ्ट साइड हमारी ओपन रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फ्लोर प्लान, जिसमें हमने फ्रंट राइट कॉर्नर में एक स्टेयरकेस डिजाइन कर रहे हैं, जिसका साइज रखा है हमने 9 फीट बाई 18 फीट। इसी स्टेयरकेस के नीचे हम अपनी एक कार पार्क कर सकते हैं। स्टेप्स की काउंटिंग हम रखेंगे 17, 19, 21, इस तरह से हम अपने स्टेप्स की काउंटिंग रखेंगे वास्तु के अकॉर्डिंग। और स्टेयरकेस के स्टेप्स की काउंटिंग हमारी छत की हाइट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकती है। स्टेयरकेस से हम एंटर करेंगे हमारी डाइनिंग लॉबी के अंदर, जिसका साइज रखा है हमने 13 फीट 10 इंच बाई 8 फीट, जिसके अंदर हम एक अपनी 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। और फ्रंट सेंटर में हम एक ड्राइंग रूम डिजाइन कर रहे हैं, जिसका साइज रखा है हमने 10 फीट बाई 10 फीट, जिसमें हम एक एल कॉर्नर से सोफा लगा सकते हैं। अगर इसके एंट्री की बात करें तो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे हमारी डाइनिंग लॉबी से। या स्टेयरकेस में जो हमारा मेन गेट लगेगा, उसके लेफ्ट साइड में हम एक स्मार्ट डोर लगा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए फ्रंट में एक विंडो दी गई है, जिसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ड्राइंग रूम के लेफ्ट में हम एक गेस्ट बेडरूम डिजाइन करेंगे, जिसका साइज रखा है 9 फीट 6 इंच बाई 10 फीट। वेंटिलेशन के लिए इसमें एक फ्रंट में विंडो रहेगी। डाइनिंग लॉबी के लेफ्ट में हम डिजाइन करेंगे सेंटर में हमारी एक किचन, जिसका साइज रखा है हमने 5 फीट 9 इंच बाई 8 फीट। वेंटिलेशन के लिए हमारे जो लेफ्ट साइड रोड रहेगा, उसमें हम एक विंडो लगा सकते हैं। ईस्ट फेसिंग हमारी किचन रहेगी। स्टेयरकेस के बैक में हम एक बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं, जिसका साइज रखा है हमने 9 फीट बाई 10 फीट 9 इंच, जिसमें हम एक वार्डरोब और एक एनसीबी पैनल डिजाइन कर सकते हैं। वेंटिलेशन दिया गया है इसका स्टेयरकेस वाली वॉल पर हम एक इसमें विंडो लगा रहे हैं। इस बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट दिया गया है, जिसका साइज रखा है हमने 4 फीट 8 इंच बाई 7 फीट। और वेंटिलेशन इसकी दी गई है सेंटर में, जो हमने साफ्ट रखी है, जिसकी एंट्री हमारी रहेगी बैक लेफ्ट बेडरूम से। साफ्ट का साइज रखा है हमने 5 फीट बाई 3 फीट 6, जिसको हम एक वॉशिंग एरिया के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो डाइनिंग लॉबी से हम एंटर करेंगे हमारा जो हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा, हमारा पाउडर टॉयलेट रहेगा, जिसका साइज रखा है हमने 5 फीट बाई 7 फीट। उसका वेंटिलेशन भी हम पीछे साफ में दे रहे हैं। और हमारा सबसे लास्ट में एक बेडरूम आ जाता है बैक लेफ्ट कॉर्नर में, जिसका साइज रखा है 9 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 6 इंच, जिसमें हम एक डिजाइन कर रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए इसमें हमने लेफ्ट वाले रूम से सभी दीवारें हमने 4.5 इंच रखी है, और अगर आप इन दीवार को 9 इंच करते हैं तो आपके जो बेडरूम्स रहेंगे लॉबीज का साइज कम हो सकता है। इस प्लान में हमने कॉलम मार्क नहीं किए हैं, क्योंकि कॉलम आप अपने लोकेशन के अनुसार जो हमारी सोल होती है, हर लोकेशन में सोल का जो नेचर होता है अलग अलग होता है, इसलिए आप इनका कॉलम अपने एरिया में इंजीनियर से कॉलम इनके मार्क करवा सकते हैं, कॉलम की साइज ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा प्लान अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहेगा। और अगर आपको इस प्लान की हाई डेजिनेशन में PDF की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट में PDF के लिए पूछ सकते हैं। और अगर आपको अपने प्लॉट के किसी भी अन्य साइज के प्लॉट के अकॉर्डिंग अपने घर के प्लान की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने घर के 3D इंटीरियर 3D एक्सटीरियर करने की आवश्यकता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के इंटीरियर एक्सटीरियर के डिजाइन की आवश्यकता के लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर उचित रहे तो आपकी वीडियो बनाई जा सकती है, अगर आपको कमेंट बॉक्स में भी सजेशन दिया जा सकता है तो हम आगे भी आपके लिए इसी तरह से वीडियो ला करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।